गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है तारीख 3 दिसंबर, शनिवार का दिन, और हम हैं इस समय हैदराबाद में। रात को हम लोग आ गए थे वहाँ से, बिदर से, और रात को हमने होटल होटल ढूंढा, और ढूंढ ढांड के हम लोग रुक गए। ये होटल बेगम पेट में है, पैराडाइज होटल के पास। आफ्टर हमने जब खाई बिरयानी, खाने के बाद में होटल ढूंढा तो मिल गया, तो इट्स अ गुड होटल। वी हैव टेकन 3 रूम्स, इंजॉइंग हैदराबाद। अब हम तैयार हो गए हैं, सवेरे के बज रहे हैं 9, बाकी लोग भी तैयार हो जाएंगे, तो बस हम निकलते हैं थोड़ी देर में, फिर हैदराबाद घूमते हैं, और अगर मूड बना तो आज रुकेंगे, और नहीं मूड बना तो निकल लेंगे, देखते हैं। आप गुड मॉर्निंग कर लो भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या प्रोग्राम है हमारे ब्लॉग में? बस अभी ब्रेकफास्ट आ रहा है, इडली सांभर डोसा वगैरह वगैरह आ रहा है। आ रहा है हम तो हाँ, आज हैदराबाद में खाएंगे इडली सांभर डोसा पोहा वड़ा और पूरी पूरी छोले पूरी। तो ब्रेकफास्ट हमारा आ गया, क्या आ गया? पूरी सब्जी, पूरी सब्जी है, डोसा है, और क्या है? इडली नहीं आई ना, सांभर सांभर वड़ा है, ये सब है, हैं? छोले हैं, पूरी हैं। छोले तो लुकिंग लाइक सांभर। ओके, संगत इज सिटिंग हियर आल्सो। सांभर में छोले डाल के लाए, सांभर में छोले। लो ये ऐसे ही घूम रहा है अभी, रेडी हो गए पूरे। अरे क्या रेडी हो गया? आप रेडी नहीं हो, हमने तो ब्रेकफास्ट भी कर लिया। पूरी छोबे छोले इज लुकिंग लाइक सांभर बड़ी, सांभर वड़ा, ऐसे हम सांभर खा रहे हैं, है ना? पूरी छोले इज लाइक सांभर। वो कह रहा जैसे आप ब्रेकफास्ट करें बाहर निकल जाइए, क्योंकि उसके दूसरे गेस्ट आ गए। तो हम निकल दिए अपने होटल से, जी होटल हमारा रिलैक्स इन है ना, और हमारे साथ संगत तैयार है, जस्ट वेटिंग फॉर आवर कार। ये हम घूम रहे हैं हैदराबाद में हुसैन सागर रोड के आसपास। ये देखिए उसके सेंटर का स्टैचू बुद्धा जी का, हुसैन सागर के सामने से। तो हमने सेट किया है कि ये होटल यहाँ पे फॉर चेंज ऑफ टुडे, वो है होटल का नाम है द सैंड। और हमारे एक भाई साहब जो हैं वो ये ऑरेंज वाले टी शर्ट में ये अभी तक नहाए नहीं हैं, तो इनको भाई साहब को नहाना है अब, तो इसलिए भी ऑल आर आउट नाउ, यहाँ से सामान लेके इनको इस कमरे में रोक के इनको नहलाएंगे धुलाएंगे, बाकी सब लोग रेडी हैं, तो ये नहा धो के आएंगे तब हम लोग चलेंगे। नो द सैंड, इट इज़ द सैंड नॉट सैनिट, इट इज सैंड इज द होटल विच इज़ जस्ट ऑन द मेट्रो। ये मेट्रो जा रही है ऊपर हमारी हैदराबाद की, ऐसा भी होता है। तो अब बज रहे हैं 11 और हम निकले हैं अपने दूसरे वाले होटल से जहां हमने कर लिया बुकिंग सेंट में, और हम खुद भी सेंट हो चुके हैं इस समय, तो सेंट का सेंट। बाकी पब्लिक हमारी पीछे बैठी हुई है, ये देख लीजिए, इनको समझ में ये नहीं आ रहा कि हमको जाना कहाँ है अभी। कोई कह रहा है जू चलो, कोई कह रहा सलारगंज चलो, कोई कह रहा वहाँ चलो, हमको समझ नहीं आ रहा, हम हो चुके हैं परेशान। तो हम कह रहे हैं जिधर ट्रैफिक ले जाओ उधर चलो, और जहाँ नज़दीक पड़े वहाँ घुस जाओ। तो ये हमारा मेट्रो है जिसका नाम है लकड़ी का पुल, तो अभी हम लकड़ी का पुल मेट्रो पे घूम रहे हैं। जी हाँ, तो ये आ गया हमारा नेहरू जूलॉजिकल पार्क, इसमें हम घुसते हैं अंदर। तो हम घुस गए हैं पार्क के अंदर। पार्क की टिकट है 60 रुपया पर पर्सन, वीकडेज को 60 रुपये है, और अदर डेज को 60 डेज है। अगर आप कैमरा लेके जाते हैं तो कैमरे का चार्ज अलग से 500-600 रुपये के आसपास है। तो हमारे पास उसकी कैमरा भी था तो हमने उसकी भी टिकट अलग से ली है, और वीकडेज का हिसाब से। जैसे ही हम लोग जू में एंटर किए हैं तो अब हमको पता चला कि यहाँ अंदर घुस करके आपको जो है अगर बस में जाना है तो आपकी टिकट अलग से देनी पड़ेगी। तो बस की टिकट यहाँ बोल रहा है वीकेंड है तो 100 रुपये अलग से, मतलब अगर आप बाहर लेके आए हो टिकट 70 रुपये की, यहाँ अंदर 100 रुपये की और दो, तो मतलब पैसे लूटने का धंधा बना लिया। अरे एक ही बार टिकट ले लो ना, जो टिकट लेनी है हमसे पैसे लेने हैं, एक बार टिकट के पैसे ले लो, टाइम मत खराब करो हमारा। अब यहाँ आके अलग लाइन में लगो, वहाँ अलग लाइन में लगो, यही होता रहता है यहाँ पे। बताइए ये इनका सिस्टम है यहाँ पे। आप लोग जब भी कभी आएँ इस म्यूज़ियम में तैयारी करके आइएगा कि अगर बस से जाना है अंदर घूमना है तो आपको 100 रुपये अलग देने पड़ेंगे वीकडेज में, और अदरवाइज 80 एडल्ट का 85 है, और अगर आप पैदल घूमना चाहते हो तो वो फ्री है, लेकिन फिर बाहर टिकट लगेगी 70 रुपये की। अब ये लाइन लगी गाड़ी में चढ़ने के लिए, और गाड़ी है नहीं यहाँ पे। अब गाड़ी आएगी तो फिर मतलब 1.5 घंटा चढ़ने में लगाओ पहले, और फिर घूमने में लगाओ। फाइनली वी आर बीन एबल टू सिट इन दस, 3-3 लोगों का है, टाइम बहुत ख़राब करते हैं। स्कूल के बहुत सारे बच्चे आए थे, रश बहुत है यहाँ पे। ये हमारा आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल हमारा पहला स्टॉप है, उसने हमको उतार दिया है और कहा कि अंदर जाइए, अब आप देखिए आपको जो जानवर दिखते हैं वो देख लीजिए, अब देखते हैं क्या जानवर दिखते हैं। देखिए आप जानवर को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे चिन में शाह जी ग्रेड 9 की हैं, हरीशा जैन ग्रेड 6 के, इन्होंने इस चीता को अडॉप्ट किया हुआ है जिसका नाम पेबल क्रीक लाइफ स्कूल से लड़की है टुमकुंटा हैदराबाद से। 15 टाइगर्स को अडॉप्ट किया हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी NMDC ने अडॉप्ट किया रॉयल बंगाल टाइगर को, तो यहाँ अडॉप्शन का भी पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ पे चीता है और वो ऊपर में देखिए धूप सेक रहा है,
और उसके धूप सेकने का नुकसान हमको ये हो रहा है कि वो तो धूप सेक रहा है और हमारे पैसे ख़राब हो गए, हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। वो देखिए रॉयल टाइगर एक वहाँ पे है जो कि चला आ रहा है और वो फिर वापस चला गया, छुप गया, हमारे फिर पैसे ख़राब हो गए, आज हमारे पैसे ख़राब होने में लगे हुए हैं। ये देखिए ये आके यहाँ पे बैठने के मूड में है। ये देखिए टाइगर बिल्कुल नज़दीक आ गया है, ये देखिए बिल्कुल नज़दीक आ गया ये टाइगर। इसने कहा पूरे पैसे वसूल करिए आप अपने, वो यहाँ घूम रहा है और शायद उसको पानी पीना है इसलिए वो पानी पीने जा रहा है। ये है हमारे पास स्ट्रिप्ड हाइना, वो भी धूप में आराम फरमा रहा है। तो स्ट्रिप्ड हाइना जी सो रहे हैं इस समय, पैसे वसूल हो गए हमारे चलो थोड़े मोड़े। तो ये देखिए हमारे पास जकॉल भी एक है, जकॉल जकॉल एयर वी सी दी एशियाटिक लाइन। ये देखिए आप एशियाटिक लाइन हमारा बैठा हुआ है, लगता है ये बहुत थक गया है और ये सोने के मूड में है, तो ये सोने का टाइम इसका इसीलिए आराम फरमा रहा है ये। तो ये देखिए वी हैव टू ऑफ द चीताज ओवर सिटिंग हियर, वन इज दिस वन एंड द अदर वन इज दिस वन, वो थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट में है। तो ये देखिए चढ़ गया ऊपर, ये ऊपर भी चढ़ गया कूद के, है ना। सो वी हैव टू चीताज ओवर हियर वेरी क्लोज वॉचिंग एंड दिस इज द वन वी आर हैविंग हियर। ये देखिए ये भी मस्ती के मूड में है, ये तो सोने के मूड में लग रहा है मेरे को। ये देखिए आराम फरमाने के मूड में है। उधर में हाइना है वो सो रहा है। सो हियर वी सी द हिप्पोपोटामस, दिस इज मे बी राइनोसरस, क्या है राइनोसरस या फिटो, हिप्पो है ना, ओके राइट। सो दिस इज द हिप्पो, ये हिप्पो जो है हिप्पो ही होके सो गया इस समय, तो पैसे वसूल नहीं हो पा रहा है, अगर ये मूव करता तो मजा आता। ये हिप्पो सो रहा है, ये देखिए पूरा हिप्पो सो रहा है, ये हिप्पो हिप्पो हो गया। ये है हमारे पास एक राइनोसरस, ये देखिए राइनो इस समय घास खाने में बहुत मशगूल है, उसको पता नहीं है कि हम लोग आए हुए हैं बहुत दूर से, हम लोगों से आके मिल ले कम से कम, और वो राजी भी नहीं हो रहा मिलने को, अपना उसने मुँह और उधर कर लिया है। तो हमारे लोग जो हैं उनका भी बड़ा मूड ख़राब हो गया है, इनका मूड ख़राब हो गया, कह रहे हैं यार हम लोग को राइनो बात ही नहीं कर रहा हम लोगों से, तो ये लोग नाराज़ हो गए। ये लोग भी इन्होंने भी अपने मुंह इधर कर लिए, सब ने काफ़ी लोग तैयारी करके आए लेकिन राइनो नाराज़ हो गया, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक तो इतनी नाराज़ हो गई कि वो कह रहे हैं कि हम ग्रुप में ही नहीं रहेंगे, वो ग्रुप से ही भाग के बाहर आ गई हैं। ऐसा घूम के लोगों की ऐसी तैसी हो गई तो फटाफट दौड़ के भाग के आ गए लोग सब खाने पीने के चक्कर में, ये कुछ खाने को मिले तो हम आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ कुछ खास दिखता नहीं मेरे को। बहुत भूखे लोग दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, पता नहीं शायद नागपुर से ही भूखे आए हैं। तो आप देखो ये क्या खा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेरी पेरी चीज पोटैटो टोर्नेडो, इसको बोलते हैं पेरी पेरी चीज टोर्नेटो पोटैटो टोर्नेडो। बाप रे बाप, नाम सुन के ही साला। और ये हमारी पाव भाजी हो रही है देखो टकाटक, और ये हम चाय भी मंगा लाए, ये हमने गोलगप्पे भी ले लिए, ये हमारी सैंडविच हो रही है, बाकी चिकन वाला तो हम पहले खा चुके हैं। और ये भाई साहब जो है कैमरा मैन लग तो रहे हैं लेकिन हमारे को लगता है ये सब खाना खा रहे हैं और हमारा फोटो एक भी नहीं खींच रहे हैं, पता नहीं कैसे आई है। लेकिन हालांकि हम इनको साथ में लेके आए, लेकिन हमारे बहुत बड़े कैमरामैन हैं, क्योंकि ये एक फोटो खींचते समझो कि बस फिर काम बन गया। आइटम सारे साफ हो गए हमारे, देखिए लोगों के पास टकाटक टकाटक खाए जा रहे हैं सब, ये टोर्नेडो खाया जा रहा है, पता नहीं कितना टोर्नेडो हो गया। ये कह रही हैं यहाँ पार्ले जी होता तो मैं और चाय पी लेती, लेकिन इनको पार्ले जी है पार्ले जी है, देखिए ये पार्ले जी को डुबो के छोड़ेंगी, बिना डुबोए नहीं छोड़ेंगी। ये देखिए ऑस्ट्रिच महाराज जो है यहाँ पे घूम रहे हैं, ये हम लोगों से बात करके गए, अभी हम लोगों को हेलो बोल के गए, अब आगे जा रहे हैं और लोगों को हेलो बोलने के लिए। तो काफ़ी हेलो हो गई इनसे, लो वापस आ गए, कहने लगे नहीं पूरी नहीं हुई अभी मैं यहीं घूमूंगा तुम्हारे साथ, तो ये वापस आ गए हेलो करने के लिए। हेलो ऑस्ट्रिच, बहुत तेज इसको लगी है, बहुत तेज प्यास, पानी वो पी नहीं पा रहा है क्योंकि वो ब्लैक है, उसको लग रही गर्मी, तो उसने कहा चलो हम जरा डीजे पे डांस कर लें उसके बाद हम जो है पानी पीते हैं। तो पब्लिक यहाँ अच्छी आ गई है उसका डीजे देखने के लिए, सो वी आर हैप्पी टू सी हिज डांस द ब्लैक बियर डांसिंग टू आवर ट्यून्स। डीजे पे डांस कर रहा है, देखो डीजे पे देखो ना, डीजे पे डांस कर रहा है, जो आप लोग शोर मचा रहे हो उसको लग रहा है म्यूजिक, तो वो डांसिंग मोड में है। तो थैंक यू डियर, हमारा पैसा वसूल तुमने करवा दिया, बाकी सबने लुटवा दिया।
यहाँ पे पकड़ा हमने जिराफ को, इन्होंने हमको बोल दिया कि आप उतरेंगे तो हम आपको बैठाएंगे नहीं, और जिराफ नाराज मेरे साथ पहले ही हो चुका है, बोला साला मैं अपना मुंह उधर कर ले रहा हूँ। वो भी नाराज है और ये भैया भी नाराज है। चलो कोई बात नहीं, जिराफ देख लिया हमने, अब हम आगे चल सकते हैं। ये एक और जिराफ है, इसमें बहुत डिस्कशन हो रहा है कि ये स्टैचू है, लेकिन हमने कहा स्टैचू नहीं है, इसमें जिंदा है, वैसे कान हिल रहे साले के। ये देखिए हमारा जिराफ, रियली बिग जिराफ दिस इज, दिस वन एंड ये स्टैचू तो नहीं है ना? नहीं नहीं स्टैचू नहीं है, स्टैचू नहीं। इन्होंने कंफर्म कर दिया भैया ने हमारे कि स्टैचू नहीं है। हाँ इधर मुंह किया, इधर मुंह, उसका नाराजगी दूर हो गई है, अब वो हिला भी है थोड़ा सा। चलिए बहुत बड़ा सा है, लेकिन चलिए चल सकते हैं हम लोग आगे। अब धीरे से देखो, ये हमारे क्रोकोडाइल बैठे हुए हैं, और ये एक दो नहीं है यहाँ पे, इस समय एक ये आपको दिख रहा है, एक ये देखिए, ये दूसरा, और अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे तो मेरे ख्याल से 10-15 सो रहे हैं। देखिए एक एक ये पानी में सो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, एक ये सो रहा है, एक ये सो रहा है, पीछे में एक और सो रहा है, और देखिए पीछे ये देखिए इधर है ना, वो देखिए तीन ये दिख रहे हैं, वो देखिए पीछे एक ये सो रहा है, ये देखिए उधर देखिए कितने सारे सो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ कम से कम 25, ये देखिए पीछे तो और 10-12 सो रहे हैं, ये कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 50 क्रोकोडाइल होंगे यहाँ पे इस समय, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये तो ऐसे मुंह खोल के पड़ा जैसे कि स्टैचू हो गया है, इसका मुंह ही नहीं हिल रहा है। यहाँ पर देखिए एलिगेटर है, ये देखिए एलिगेटर कैसे बैठे हुए हैं। ये भी कम से कम 10-15 बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसमें सब छोटे छोटे हैं, लेकिन ये सब सो रहे हैं। देखिए ये सब एलिगेटर हैं यहाँ पड़े हुए हैं। एलिगेटर मेरे को लगता है इसकी, जिसकी मुंह लंबा और पतला छोटी सी चोंच जैसा मुंह होता है वो एलिगेटर हो जाता है, अगर मुंह चौड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए तो वो क्रोकोडाइल हो जाता है।